मेरा मूड ना ऐश्वर्या बहुत रोमांटिक हो रहा है, तो मेरा तो गाने गाने का मन है। क्या बात है, कौन सा नंबर था? चलो सुनते हैं। ठीक है। दो दिल मिल रही है मगर चुपके। अरे एक मिनट, मुझे याद आया, कहीं आप उसके बारे में इतनी बात कर रहे, अनुपमा और अनुज के बारे में। ओह, ये मैंने बिल्कुल दिल की बात जान ली ऐश्वर्या ने। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि अपकमिंग एपिसोड में अनुज और अनुपमा एक साथ कमरे में बंद होने वाले हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या बात है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल फिल्मी सीन चल रहा है। ऐसे नहीं लग रहा कि टीवी सीरियल में आजकल एकदम रोमांटिक फिल्म का सीक्वल एक डाल दिया जैसे रोमांस वाला। लेकिन यार जो भी हो, अनुज और अनुपमा की केमिस्ट्री ना बहुत सही है भाई। ये बात तो तुमने अनुज और अनुपमा भी कर ली, लेकिन तुम्हें पता है वनराज आजकल क्या प्लान कर रहा है भाई? अनुपमा को धोखा दिया इस इंसान ने, ठीक है, काव्या को धोखा दिया इस इंसान ने, अब इसकी नजर मालविका पर है और मालविका के साथ ये रोमांटिक वेकेशन पर जाने की तैयारी कर रहा है, वो भी बताओ कहाँ पर? मैं गेस करूँ? तुम्हें तो पता ही है। जी हाँ, अब मालविका के साथ अनुज मुंबई जाने का प्लान कर रहा है। आपने देखा था कि मकर संक्रांति पर किस तरह से काव्या ने धांसु एंट्री मारी और उसकी पतंगी काट दी, उसको बहुत सुनाया। लेकिन भाई वनराज, सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोलने की, काव्या ने वनराज के रंग में भंग मिला दिया। लेकिन उसको कौन सा फर्क पड़ रहा है ऐश्वर्या, ये तो देखो ना, अभी भी उसकी नजर मालविका पर ही है। और ऐसा लगता नहीं कि वो अनुपमा टीवी सीरियल का पुष्पा जो लेकिन मालविका भी अब ऐसा लगता है कि वो वनराज की साइड ने कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट किया। पर ये देखने वाली बात है मालविका, क्योंकि अनुज की बहन है, अनुज अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। बीते दिनों जब उसका राज खुला था तब भी अनुज अपने आप को गिल्टी मान रहा था कि मेरी वजह से वो उस गलत इंसान के चंगुल में फंसे, और अब एक बार फिर से वो वनराज के चंगुल में फंसना चाह रही है। तो मतलब ये देखने वाली बात है कि जब इनके रिलेशनशिप की वैसे भनक अनुपमा को लग चुकी है, अनुपमा ने वनराज को धमकी भी दे दी कि मालविका से दूर रहे, लेकिन वनराज जो है ना अनुपमा को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा भाई। इसीलिए अब देखने वाली बात है कि जब अनुज को पता लगेगा कि इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। वैशाली पर ये बात भी है कि ये पूरी करण जौहर की मूवी नहीं लग रही कि जिसमें सब कुछ होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, प्यार हो रहा है, तकरार हो रही है, हर चीज मतलब परफेक्ट है ना। लेकिन इसके बाद एक बात है कि मतलब इसके अंदर अनुपमा कोई देखकर ना बोर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर हर मोमेंट पर ट्विस्ट है। इसीलिए तो टेलीविजन भी टीआर के लिए इसमें नंबर 1 पे अनुपमा रहता है। खैर, आप अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और आपको हमारी ये मजेदार वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी अपने व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियोस लेकर आते रहे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस? इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना होगा, और ये बटन क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।